छत्तीसगढ़ में प्रशासन की तरफ से, महानगर पालिका की तरफ से, लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ दुकानों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। इनका गुनाह ये था कि ये लोगों ने 11 बजे की जगह 11:15 बजे तक दुकान चलाई, 11:30 बजे तक दुकान चलाई। इनकी दुकानों को सील कर दिया गया था। एक अंदाज़े के हिसाब से 150 के करीब दुकानें है, ऐसा बताते हैं कि जिनको 56 तो ये दुकानों को सील किया गया था। 8 मई से ये दुकानें सील है, आज 1 जून है। यानी कि इतना बड़ा ऐसा कौन सा गुनाह किए थे कि मतलब उनको इस तरह कटघरे में खड़ी किया जा रहा है? और एक जैसा घिनौना कोई अपराध करते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, हत्या हो, या नशे का कोई कारोबार कर रहे हैं, उस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट की जा रही है। हमने खुद ने जाकर कलेक्टर साहब से विनती की थी कि साहब इनको जो भी छोटी मोटी फ़ाइन है वो फ़ाइन ले लीजिएगा, ठीक है। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो वो उनकी मजबूरी थी कि उनका पेट भरने के लिए, उनके पास काम करने वाले कर्मचारियों का पेट भरने के लिए उन्होंने ये किया है, लेकिन उसके लिए 1-1 महीना अगर दुकान बंद करके रखेंगे तो ये गलत बात है। आज जब है तो ये लॉकडाउन के अंदर रेस्ट्रिक्शंस किया गया, छोड़ा गया है, तो यहाँ पर लेबर कमीशन ऑफिस के ऊपर यहाँ पर उनको बुलाया गया और यहाँ पर उनको ये बोला गया है कि जिसकी जितनी बड़ी दुकान उसका उतना बड़ा फ़ाइन रहेगा। और जो बताया गया है कि 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है तो ये फ़ाइन है तो लगाई जाएगी। यानी कि किसी दुकान को 50,000 हो सकती है, किसी को 70,000 हो सकती है, तो किसी को 1,00,000 रुपये भी फ़ाइन हो सकती है। मेरा एक सवाल है कि अगर वो दुकान उसने किया है, ठीक है, आप उसके ऊपर फ़ाइन करिएगा, उसको इतने दिन आपने सील करके रखे है, इस पीरियड के दौरान ये जो ऑफिस है ये लेबर का ऑफिस है और यहाँ पर इनकी जिम्मेदारी ये है कि जो मजदूर है, जो कर्मचारी है, जो काम करने वाला है, उसके हित को जपना, उसके हित को महफूज रखना, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सिर्फ अपना अधिकारीपना दिखाना कि मैं अधिकारी हूँ और अब मुझे, ठीक है, आपके नियम के हिसाब से अगर है, आप नियम के हिसाब से, हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना नियम तोड़िएगा करके उसमें, लेकिन इस तरह की ये कागजी खानापूर्ति करना और फिर है तो ये बोलना कि नहीं हम पूरों की हियरिंग लेंगे करके, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, 200-300 रुपये कमाने वाले लोग, उनको 1-1 महीना बंद करके रखना, ये कौन जस्टिफाई करता है इसको? और कौन उनके लिए लड़ रहा है, कौन उनके लिए खड़े रह रहा है? कोई नहीं खड़े रह रहा है। यानी कि वो मजदूर को अगर है तो आज उन्होंने 20,000 रुपये भी अगर उन्होंने दुकानदार वाले को लगा दिए हैं तो उनको मजबूरन देना पड़ेगा। मेरा एक सवाल है, ये इतने बंद पीरियड के दौरान क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने इनको कुछ पैसा दिए है? क्या भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब ने, ठीक है आपकी दुकान बंद है तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, कलेक्टर साहब ने दिए है या लेबर डिपार्टमेंट ने इनको पैसा दिया है? पैसा तो इन लोगों ने उल्टा इन लोगों को देना चाहिए कि तुम इतने दिन बंद थे, हम तुम्हारे को पैसा दे रहे हैं, लेकिन उल्टा उनके जेब से खींच कर निकालना, मेरे हिसाब से ये एक दड़पशाही है, ये एक डिक्टेटरशिप के जैसा है, हुक्मशाही है। और मैं औरंगाबाद के तमाम व्यापारियों से ये विनंती करता हूँ, ठीक है आज ये इतने सारे दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आप आज इनके लिए नहीं खड़े रहेंगे और कल तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो तुम्हारे लिए भी कोई नहीं खड़े रहने वाला है, पूरा शहर उस वक्त खामोश रहेगा। आज ये मत समझिएगा कि मेरे पड़ोस वाले की दुकान है, मेरा क्या लेना देना है, मैं तो अपना कारोबार करूँगा, कल तुम्हारे ऊपर भी आफत आ सकती है। अगर पूरा व्यापारी वर्ग एक साथ मिलकर, एक ताकत बनकर अगर नहीं खड़े रहा तो हो सकता है कि आज इनको छोड़ दिया जाएगा, कल आपको पकड़ा जाएगा। इसीलिए हमने आज के दिन यहाँ पर आकर लेबर ऑफिस में बैठे, हमने कलेक्टर साहब से बात की और हमने उनसे कहा कि आप फ़ाइन लगाइए, लेकिन एक रियलिस्टिक फ़ाइन लगाइए जो आदमी आज के पीरियड के अंदर दे सकता है। क्योंकि अगर किसी की बड़ी दुकान है और उसके पास 10 लोग काम करने वाले हैं तो उसका पेट वही दुकानदार भर रहा था, कोई सरकार की तरफ से उनको मदद नहीं आई थी कि हम दिए हैं पैसा, तुमने क्यों दुकान खोले है करके, किसी के पास से नहीं आया था। अब दुकानें खुल गई है तो अब कल से तो लाइट का बिल शुरू हो जाएगा, महानगर पालिका अपना टैक्स देना शुरू, मांगना शुरू कर डालेगा आपसे, जीएसटी चालू हो जाएगा, ये सब चालू हो जाएगी। और ये इसलिए चालू हो रहा है कि व्यापारी वर्ग जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। अगर व्यापारी वर्ग एक ताकत बनकर खड़े रहा, आज सिर्फ इनकी लड़ाई ये सिर्फ क्यों लड़ रहे हैं? पूरा व्यापारी वर्ग आज अपने इतने दिन बंद थे, आज दोबारा से बंद मनाइए और इनको ताकत देने के लिए यहाँ पर आइए, वरना कल के दिन अगर ये रहेगा कि अगर तुम्हारे ऊपर आफत आएगी तो कोई नहीं खड़े रहेगा तुम्हारे। देखिए मैं राजनीति इसके ताल्लुक से कुछ नहीं, मुझे राजनीति से कोई ये नहीं है, कोई भी पार्टी का रहने दीजिएगा, व्यापारी की कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है और कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती है। उसको नुकसान हो रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है। लेकिन एक सवाल मेरा ये है प्रशासन से और सरकार से,
उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर एक गरीब आदमी को जो 300 रुपये कमाने वाला है उसके लिए आप सारे कायदे कानून नियम अगर रख रहे हैं, तो एक धन्ना सेठ मिलन मिठाई भंडार वाला जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, जिसकी दुकान 2 बजे बंद की जाती है, 5 बजे दुकान वो खोल दी जाती है, तो आखिर किसके बोलने के ऊपर खोली जाती है? फिर दूसरे दिन जब हम उसका विरोध करते हैं तो फिर बंद कर दी जाती है। तो आप हमको सिस्टम बताइएगा कि आपके राज्य के अंदर किसको कहाँ पे मिठाई पहुँचाने का है, तो वो मिठाई हम भी पहुँचाने के लिए तैयार हैं। हम रोड के ऊपर खड़े रह के हैं तो भीख मांगेंगे लोगों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबों के लिए अलग कानून बनाएंगे, छोटे व्यापारियों के लिए अलग कानून रहेगा और बड़े लोगों के लिए अलग कानून रहेगा। इसका जवाब आप दीजिएगा। अगर नहीं देंगे तो हम अदालत के अंदर भी जाएंगे कि आपकी जो नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर लोग एक उम्मीद से आते हैं कि सरकार प्रशासन हमारे हित में खड़े रहेगा, लेकिन अगर इसी तरह की अगर दादागिरी चलती रही तो आप अपने हिसाब से चलिए, हम हमारे हिसाब से चलेंगे।